प्रदेश जिला चंबा के दूर दराज गांव की बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली सीमा खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में प्रदेश के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली एथलीट सीमा अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मिशन 2024 पेरिस ओलंपिक में जुट गई है। उन्होंने खेलो इंडिया में स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक 2024 की तैयारियों की योजना में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा अभी बाकी है। प्रदेश में गरीब परिवारों से संबंध रखने वाली बेटियों को किसी सपने के सच होने से कम नहीं है। गौर रहे कि खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में एकल प्रतियोगिताओं में विजेता व उपविजेताओं को केंद्र सरकार आगामी 8 वर्षों तक 5 लाख रुपए सालाना वजीफा देगी, जिसमें प्रतिभावान खिलाड़ी अपने हुनर को निखारने, डाइट व खेल से जुड़े बेहतरीन उपकरण खरीद सकेंगे। इतना ही नहीं, टीम इवेंट से जुड़े बेहतरीन खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें भी सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे पहले राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाने के बाद खिलाड़ियों को अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकारी नौकरियों की पड़ताल करनी पड़ती थी। इससे प्रदेश में प्रतिभा का हनन होता था, लेकिन अब प्रतिभावान खिलाड़ियों को अपना भविष्य को सुरक्षित करने की चिंता नहीं है। अब सरकार खिलाड़ियों के लिए उज्जवल दर्जे की सुविधा प्रदान करने की नींव खेलो इंडिया स्कूल गेम्स रख चुकी है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में पेरिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक्स गेम में भारत के मेडल की नींव रखती है। इस सीमा जो ये अपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया टेनिस सेंटर धर्मशाला की अथॉरिटी की इनमेट है और पिछले लगभग 2.5 साल से यही मेरी अंडर ट्रेनिंग कर रही है, तो नेशनल लेवल पे बहुत सारे मेडल जीते हैं। 3 इसके नेशनल रिकॉर्ड्स हैं, 1 इंटरनेशनल मेडल है और फ्यूचर अभी भी इसने लेटेस्ट जो इसका कंपटीशन इसने खेला है फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम्स वो अभी भी न्यू दिल्ली में हुई है 31 जनवरी से लेके 8 फरवरी 2018 तक। उसमें इसने 3000 मीटर में 10 मिनट 15 सेकंड में जो है गोल्ड मेडल जीता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है तो उसमें 1000 बच्चे जो है खेलो इंडिया से स्कूल गेम्स से सेलेक्ट किए जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद जो है ये भी 1000 बच्चों में आ जाएगी, तो इसकी स्कॉलरशिप लगेगी और इससे अब हम तो नेक्स्ट कंपटीशन हमारा इसके 2 महीने बाद है, तो वो फेडरेशन कप जूनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप है कोयम्बटूर में 5 मई से, हम उसकी तैयारी में हैं क्योंकि उसका आगे जूनियर एशियन चैंपियनशिप होनी है तो उसका क्वालिफाइंग होगा। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो फ्यूचर जो है जो आने वाले जो जैसे 18 चला है तो 6 साल और पड़े हमारे पास, तो 6 ईयर्स में हमारा टारगेट है कि ये बच्चा जो है एशियन गेम्स और ओलंपिक तक पहुंचे। बस यही हम ट्रेनिंग का एम लेकर चले हुए हैं, तो काफी उम्मीदें हैं इससे, अच्छा कर रही है, इन फ्यूचर भी काफी उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके वेलकम सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खेलो इंडिया मुहिम ने कोच व खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित कर दिया है। खिलाड़ी व कोच इसमें भाग लेकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत में ऐसी प्रतियोगिताएं पहले कभी नहीं आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को रहने की व्यवस्था, भोजन व खेल सामग्री अव्वल दर्जे की मिलती है। ये प्रतियोगिता हर पहलू से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महसूस हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कई खिलाड़ी सही मंच न मिल पाने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में आलम यह है कि प्रदेश सरकारें आज तक खेल के लिए मात्र घोषणाएं ही करती आई हैं। सरकारें खेल को बढ़ावा दें तो खिलाड़ी प्रदेश को बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। खेलो इंडिया खेलो में मैंने गोल्ड मेडल जीता, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने गिर कर जो है वो गोल्ड मेडल जीता है, तो मेरा लक्ष्य जो है वो 2024 के ओलंपिक्स है, लेकिन अभी तो हम जूनियर फेडरेशन की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ जब हम बाहर खेलने जाते हैं फॉरेन में तो वहाँ की और यहाँ की फैसिलिटी में बहुत फर्क है, क्योंकि वहाँ पे उनको स्विमिंग पूल फिजियो वगैरह सब कुछ है और हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हमारी सरकार से ये मांग रहेगी कि वो हमें ये स्विमिंग पूल फिजियो वगैरह सब कुछ दे ताकि यहाँ से ज़्यादा लड़कियाँ निकले और आगे बढ़े ओलंपिक के लिए, ओलंपिक्स में भी उनके मेडल आए, क्योंकि इसी वजह से इंडिया पीछे है। बाकी कंट्री के क्यों मेडल आते हैं, क्योंकि उन्हें पूरी फैसिलिटी दी जाती है। इंडिया में अभी तक उतना सपोर्ट भी नहीं करते हैं खिलाड़ी को जितना किया जाना चाहिए। आपको सरकार की तरफ से भी कुछ मिला है? अभी बोल रहे थे कि फेडरेशन से मिलेंगे अप्रैल में, बाकी अभी तो पता नहीं है, अभी अप्रैल तो दूर है, तभी बोल रहे थे।
तो आप को सरकार से कोई नाराजगी है? अभी तक तो बोला है, तो हमें तो उम्मीद रखी है कि नहीं मिलेगा, मतलब तो हमें तो कोई नाराजगी नहीं मतलब ऐसे। लेकिन अभी तक सरकार ने आपको कुछ नहीं दिया है? नहीं, बोलना नहीं आपने? नहीं दिया है कुछ। थैंक यू।